दशक मृतक गणेश पिता मनोज पटेल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मध्य प्रदेश शासन की ओर से 2 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति है। मंत्री सिलावट ने कहा कि इसके साथ ही भीड़ द्वारा की गई मारपीट में गंभीर घायल हुए 4 किसानों को इंदौर के चोइथराम अस्पताल में भर्ती करवाकर डॉक्टरों को बेहतर चिकित्सा के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिले के खड़किया में क्षेत्र के किसानों को पैसे लेने के बहाने बुलाकर उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक मारपीट की घटना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। मंत्री तुलसी सिलावट ने धार पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से इस संबंध में बात कर कल रात्रि में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद धार पुलिस ने 30 दोषियों को चिन्हित कर लिया है, वहीं 3 को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरी घटना की जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस घटना का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि महज एक अफवाह से गुस्साए लोगों द्वारा पीक पीक कर मार डालना एवं मौत की कगार तक पहुंचाना अत्यंत दुखद गंभीर घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार पीड़ितों को पूरी मदद एवं न्याय दिलवाएगी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये दुखद घटना है, यह हमारे समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो मध्य प्रदेश की आत्मा है, जो किसान है, किसान और मजदूर का रिश्ता एक भावनात्मक होता है। जिस प्रकार से इन 5 लोगों पर जो हमला धार जिले में हुआ, मुख्यमंत्री खुद इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसके जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। एसआईटी भी गठित की जा रही है, 3 कर दी गई है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 3 लोगों को जो चिन्हित हो गए हैं, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कम से कम 30 से 40 लोग चिन्हित हो चुके हैं, 30 से 40 लोग चिन्हित हो चुके हैं। कल से मैं इन सब के संपर्क में हूँ, जब से मैं धार सारे शासन प्रशासन से निरंतर चर्चा कर रहा हूँ। इनका इलाज सरकार निःशुल्क कराएगी। जो एक दुखद घटना सांवेर की हुई है, उनको 2 लाख का मुआवजा भी, 2 लाख का मुआवजा भी हम दे रहे हैं। ये पर एक मुआवजा कोई एक उचित बात नहीं है। जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए, इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही कर सकता है। और ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में ना हो, इस पर भी हम सावधानी बरतेंगे। इस पर जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है सरकार करेगी। अभी जांच के निर्देश दे दिए हैं, जांच के समक्ष जो जो भी आएगा, जो जो बिंदु आएंगे, उन सब पे कार्रवाई करेंगे। कौन व्यक्ति कहां पर कहां लापरवाही की है, किसकी चूक हुई है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश को ये दुखद घटना का सामना करना पड़ा, ये हम सबको शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी भी भर्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वो कम है।